अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं काली दाल का पुलाव या काली दाल का तायरी भी कहते हैं इसे। बहुत इजी आसान होती है, इसमें आप वेजीज वगैरह डाल के बना सकते हो, वेज पुलाव बन जाएगा, या फिर आप इसको तायरी बना सकते हो जो कि क्विक होता है और बहुत ही आसान बनता है। अच्छा, पहले जब हम लोग छोटे थे ना तो मम्मी ये बहुत बनाती थी और हमें दूध के साथ देती थी खाने के लिए, बहुत यमी लगता था। बट अब जब बड़ी हो गई ना तो इसको मैं दूध के साथ नहीं खा सकती, बट पहले मैं मांग के खाती थी, मम्मी इसमें दूध ऐड करो फिर मैं खाऊंगी। और ये देखिए, आपने तेल गरम करना है, उसमें आपने तेज़पत्ता ऐड करना है, कुछ गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हम इसमें इलायची ऐड करेंगे, फिर इसमें हम ऐड करने वाले हैं सिनेमन स्टिक जिसको दालचीनी भी बोलते हैं, और ज़बान पर लग गया। फिर हम इसमें एक फूल ऐड करेंगे, बड़ी इलायची ऐड करेंगे, लौंग ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, ये कुछ गरम मसाले, अखे गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा, ये थोड़ा तेल गरम हो जाए, उसमें कड़कड़ होने लग जाए, तब इसमें हम कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब इसमें हम ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते। अब ये सारी चीज़ जब हमने इसमें ऐड कर दी, तब हम इसमें बड़े से दो कांदे कट करके रखे स्लाइस वो ऐड कर देंगे। अब वो सारी चीज़ ऐड करने के बाद हम इसे करेंगे भुनाई। अब ये इसकी भुनाई अच्छी खासी होती रहेगी, तब तक मैं आपको दूसरे मसाले बता दूंगी कि आपने कौन से मसाले कट करके निकाल के रख लेना है। सबसे पहले आपने एक चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच भरकर हरी मिर्ची का पेस्ट, उसके बाद धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, हल्का सा गर्म मसाला और दो बड़े टमाटर कट करके रख लेना। ये रहा हमारा मसाला। ये मसाले को हमने भुनाई करनी है कांदे के साथ। अब देखिए, ये मसाला मैंने आपको बता दी हूँ। अब यहाँ पे हम, जब हमारा अनियन अच्छा खासा भुन गया है फॉर 1 मिनट और 1.5 मिनट, तब हमने इस मसाले को इसमें पूरा ऐड कर देना। ये बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं करूँगी, हल्का पानी ऐड करके इसमें डालूँगी। अब उसके बाद मैं करूँगी इसकी भुनाई। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, वरना आपने घर में अच्छा खासा लेक्चर सुनना है मेरे साथ। अच्छा, इसकी भुनाई भुनाई कर देंगे, पानी ऊपर से हल्का ऐड कर लेंगे, इसकी भुनाई होती रहेगी। अच्छा, मैं जब फ्री रहती हूँ ना तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ फॉर यूट्यूब, लाइक कुकिंग वगैरह के लिए, बाकी ऐसे टाइम तो मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने आलू कट करके रखे थे, वो भी ऐड कर दिया और वो मैंने कर लिया इसके साथ मिक्स। और उसके अलावा मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज़ कभी मैं हुरेन के साथ बिज़ी रहती हूँ, कभी कुछ और काम, कभी कुछ और, इस तरह से मेरा टाइम चला जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बिकॉज़ ऑफ वो भी स्कूल जाने लगी है, तो वहाँ शेड्यूल एकदम टाइट हो गया है। लाइक ट्रस्ट मी, कितना डिफ़िकल्ट होता है ये लोगों को पढ़ी करना। हाय, हम कैसे हो गए बड़े। अच्छा, अब यहाँ मसाले अच्छे खासे हमारे भून गए हैं। मसाले भून लेने के बाद हमने हल्का हल्का पानी डालना है जब नीचे लग रहा हो, बट हल्का, हर बार नहीं पानी ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने काली दाल भिगा के रखी थी, अच्छा मैंने बताना ही भूल गई, काली दाल आपने भिगा के सबसे पहले रख लेना है। तो काली दाल जो हमने भिगा के रखी थी वो अच्छे से धो धुला कर हमने इसमें ऐड कर दिए काली दाल को। और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट, हमने कम से कम 3 मिनट तक काली दाल को, इसको मसाले को भूनते रहना है। और उसके बाद हमने समझिए 2 ग्लास का चावल बनाना है, तो 4 ग्लास पानी इसमें ऐड करना है, या तो 1 ग्लास का बनाना है तो 2 ग्लास पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मम्मी ने 4 ग्लास पानी ऐड किया, बिकॉज़ हम 2 ग्लास का चावल बना रहे थे, तायरी बना रहे थे। अब इसके ऊपर से हमने ऐड किया नमक और उसको कर दिया है मिक्स में। या मम्मी को कह रही थी, मम्मी सालन नहीं बन गया कुछ इस तरह से, तो इसे कुछ इस तरह से ही बनाया जाता है। उसके बाद हमने चावल वगैरह धोना है, और जब एक उबाल आता है, जब ये इस तरह से बबल जैसा आने लग जाए, तब इसमें हमने ऐड करना है चावल। ये देखिए, ये पूरा हमारा 2 ग्लास का चावल धो धुला के अंदर चला गया है, और उसके बाद हमने इसको करना है मिक्स। धो धुला के चावल अंदर गया, इसकी होगी मिक्सिंग के बाद हमने इसको फ्राई करने कह रही थी उबलने रखना है। उबलने के बाद ये जब चावल ऊपर सा आ जाए, हल्का कच्चा सा रहे, हल्का कच्चा पक्का 80-20% रिमेनिंग रहे, तब हमने इसे दम पे रख देना है। अच्छा, ये अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं ना, तो ये टाइम पे आप मम्मी से पूछ ले कि मम्मी इसको आप दम पे कब रखना है, तो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। फिर दम पे रखने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनेगा। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है, आप खुद कहोगे वाओ क्या डिश है। सो हाँ, इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।